नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के टॉपिक को, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स जो है उसको हम इसमें कवर कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है आपका, 7 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेतों, बाजारों एवं उपभोक्ताओं को जोड़ने वाली भारत की किस पहली किसान रेल का शुभारम्भ किया गया है? तो ये जो शुभारम्भ है, पहली किसान रेल है ये, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये दानापुर किसान रेल है। दानापुर कहाँ है? पटना है। दानापुर जो है पटना सिटी बिहार में, ठीक है। ये बहुसामग्री ट्रेन है जो विभिन्न फल एवं सब्जियों का सुगम परिवहन सुनिश्चित करेगी। हाल्ट स्टेशन है नासिक रोड है, ये सारी जो है हाल्ट स्टेशन इसके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपनी तरह के पहले ऑनलाइन देशभक्त फिल्म समारोह का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अगस्त 2020 को वित्तीय सेवाओं के विभाग, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा जारी नए आंकड़ों के अनुसार देश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कितने खाते जो है उखाड़े जा चुके हैं? तो ये 40.5 करोड़ खाते। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, खाते जो खोले गए हैं इसके तहत जो है दुर्घटना जो बीमा है, पहले 1 लाख थी, इसको बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। ओवरड्राफ्ट की जो सुविधा थी 5,000 से 10,000 कर दिया, यानी दोगुना सारी चीज़ें कर दी गई हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2 अगस्त 2020 को केंद्रीय संचार एवं आईटी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने कहा, रेडियो नेटवर्क पर आधारित संपूर्ण दूरसंचार कनेक्टिविटी, दैट इज भारत एयर फाइबर का उद्घाटन किया है, तो अकोला महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया, इसका उद्देश्य क्या है? तो यह है कक्षा 6 से 11 की स्कूल की छात्रों के बीच विज्ञान को जो है वो लोकप्रिय बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी, इस नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, किसकी अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई है? तो ये जो समिति गठित की गई है ये है इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को अस्थाई कमीशन प्रदान किया, उच्चतम न्यायालय ने कब केंद्र सरकार को ऐसा करने का निर्देश दिया था? तो ये दिया था 17 फरवरी 2020 को, और ये जुलाई में जो है इन्होंने रक्षा मंत्रालय ने कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेल मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कहां पर जो स्थित रेल कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक पोस्ट कोविड कोच डिजाइन किया है? पोस्ट कोविड कोच ये कपूरथला पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें देख लो कि इन कोचों में हैंड्स फ्री वाटर टैप शॉप डिस्पेंसर गेट व टॉयलेट फ्लश लगे हैं, जिन्हें यात्री बिना हाथ से छुए जो है ऑपरेट कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी फ्रेश विज्ञप्ति के अनुसार भारत में किस वर्ष हुई बाघों की गणना ने विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण होने का जो है नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये वर्ष 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के अंतर्गत मंगोलियन कंजूर पांडुलिपियों, दैट इज बौद्ध विहिप पाठ के 108 खंडों के पुनर्मुद्रण की परियोजना शुरू की, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की शुरुआत कब की थी? राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, तो ये वर्ष 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2020 में भारत में कहां पर विश्व के दूसरे सबसे बड़े योटा एनएमआई वन डेटा सेंटर का जो है उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है? कौन सा सेंटर है ये? विश्व के दूसरे सबसे बड़े योटा एनएमआई डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया, तो ये है पनवेल मुंबई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जुलाई 2020 को किसने देश का पहला सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट लॉन्च किया है?
एलिमेंट कौन सा ऐप है ये? सोशल मीडिया का सुपर ऐप है ये उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कहां पर देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हुई? तो आपका आंसर होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है कि किस संस्था ने COVID-19 से बचने के लिए एक व्यवहार परिवर्तन अभियान दैट इज नेविगेट द न्यू नॉर्मल जो है वो लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये COVID-19 से बचने के लिए एक व्यवहार परिवर्तन अभियान नेविगेट द न्यू नॉर्मल लॉन्च जो है वो लॉन्च किया है, किसने? नीति आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई किसने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप को जो है वो शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की। इसके अनुसार वर्ष 2019 में कितने लाख टीबी रोग दर्ज किए गए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो ये है आपके 24.04 लाख, यानी 24,04,000। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार सभी अधिसूचित टीवी रोगियों की HIV जांच का प्रावधान वर्ष 2018 में 67% से बढ़ाकर 2019 में 81% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने कितने करोड़ रुपए पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास खंड के गठन को मंजूरी दी? तो यह 15,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजेलिस दैट इज USA में शुरू हुआ है। इस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो ये है आपका विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विश्व का पहला योग, भारत के बाहर जो है ये विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय जो है वो लॉस एंजेलिस दैट इज USA में शुरू हुआ है। इसका जो नाम है वो जो है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के कितने अरब डॉलर अमेरिकी प्रतिभूतियों के साथ विश्व का अधिक प्रतिभूतियों वाला 12वां देश बना है? ये भारत जो है कितने अरब डॉलर अमेरिकी प्रतिभूतियों के साथ विश्व का सबसे अधिक प्रतिभूतियों वाला 12वां देश बना है? तो ये है 157 अरब 40 करोड़ डॉलर रुपए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋणों की त्वरित अदायगी पर 12 माह की अवधि के लिए कितने प्रतिशत ब्याज सब्सिडी को मंजूरी दी है? तो 2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के गांवों में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में कितने राज्यों को चुना गया है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत, इस अभियान में जो राज्य चुने गए हैं वो 6 राज्य हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 6 राज्य कौन कौन से हैं? अपना उत्तर प्रदेश हो गया, फिर बिहार है, फिर मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड, उड़ीसा। 6 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। ठीक है, ये आस ही पास के हैं। उत्तर प्रदेश हो गया, फिर बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड, फिर उड़ीसा, ये 6 प्रदेश हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भारतीय सैन्य दल ने भाग लिया? तो वो है रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत निर्विरोध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 17 जून 2020 को भारत जो है वो निर्विरोध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य जो है चुना गया। इसका कार्यकाल जो होगा कब तक होगा? 2021
2021-22, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये 28 सदस्य चुना गया है ये, तो 2000 जो है वो 21 और 22। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो काउंसिल के जो अस्थाई सदस्य में कौन कौन से, आप कमेंट में करके बताइए, 5 हैं, आप उनके नाम जो है आप बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में कब भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिम्मेदार और मानव केंद्रित विकास तथा उपयोग में सहायता करने हेतु ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ, तो यह है 15 जून 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसने प्रथम राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन वितरण आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज लॉन्च किया है, तो यह है केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला के लिए आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया, तो यह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1988 राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास अनुरक्षण और प्रबंध के लिए एक प्राधिकरण का गठन करने तथा उससे संबंध या आनुषांगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जून 2020 को कौन सा संगठन पूरी तरह डिजिटल होने वाला देश का पहला निर्माण क्षेत्र संगठन बना, देश का जो है वो पहला निर्माण क्षेत्र संगठन, तो वो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय ने सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम पर कार्यक्रम योजना का शुभारंभ किया है, तो है आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, किस संस्था ने साझा नीति और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किया, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। इसका जो उद्देश्य है वो है विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के विज्ञान संचार संस्थानों और एजेंसियों के बीच आपसी बातचीत, सहयोग और समन्वय को सुविधाजनक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी इंडिया रैंकिंग्स महाविद्यालय विश्वविद्यालयों की श्रेणी में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो इंडिया रैंकिंग 2020 जो है ये जारी किया गया है HRD मिनिस्ट्री के द्वारा, और विश्वविद्यालय की श्रेणी में किस संस्थान को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये है IISc, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु को, भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु को जो है नंबर 1 पोजिशन प्राप्त हुआ है। और ओवरऑल में जो है IIT मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ समग्र में, प्रबंधन की श्रेणी में IIM अहमदाबाद को जो है शीर्ष स्थान है, कॉलेजों की श्रेणी में मिरांडा हाउस नई दिल्ली को जो है वो सर्वोच्च स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। जबकि मेडिकल की श्रेणी में अगर बात करें तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को, यानी एम्स जो है ये नई दिल्ली का है, और उसके इसका उद्देश्य क्या है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 29 सितंबर 2015 को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा इस तहत जो है वो शुरुआत की थी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय खाद्य सुरक्षा, ठीक है, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है वो जारी किया गया। इस सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को जो है वो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है बड़े राज्यों में, तो वह है गुजरात को। अगर छोटे राज्यों की श्रेणी में बात किया जाए तो गोवा है, और केंद्र शासित में बात किया जाए तो वो चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 8 जून 2020 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने आयातित वस्तुओं की तेजी से सीमा शुल्क निकासी के लिए किन शहरों में तुरंत कस्टम कार्यक्रम का शुभारंभ किया, तो बंगलुरु और चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य सरकार ने राजकौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है, राजकौशल पोर्टल तो वो है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान है और राज से राजस्थान बनेगा, तो राजकौशल पोर्टल इस तरह याद रखेंगे कुछ, ठीक है। प्रवासी श्रमिकों के लिए अवसरों की उपलब्धता में सुधार करके उद्योग और मंजूरों के बीच फासले को कम करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार
चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान मनरेगा के तहत कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, यह है ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार। तो ये है आपकी जो आई है, इतने दे रखे हैं, कितना है, 1,01,500 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में देश भर में कितनी शहरी जो है वन विकसित करना है, तो वो है टारगेट 200 का। कौन सा नगर वन कार्यक्रम किसका है, ये केंद्र सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उपज और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी। इसका अध्यादेश का जो मुख्य उद्देश्य वह है किसानों को कृषि उपज मंडी समिति के बाहर व्यापार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 जून 2020 को किसने बिजली जो है अखिल भारतीय रियल टाइम मार्केट लॉन्च किया, तो केंद्रीय विद्युत एवं नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर के सिंह ने। नेक्स्ट है कि फिल्म मीडिया इकाइयों को तर्कसंगत बनाने तथा स्वास्थ्य निकायों की समीक्षा पर गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को सौंपी। समिति के अध्यक्ष कौन है, तो वह है बेमल जुल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जून 2020 को भारत सरकार द्वारा लॉन्च पीएम स्वनिधि योजना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को लॉन्च की गई, तो ये किसके लिए है पीएम स्वनिधि, तो यह है स्ट्रीट वेंडर के लिए, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर के लिए है ये पीएम स्वनिधि। स्व का मतलब अपने आप, ठीक है, तो अपने आप कौन करता है, वो गलियों में जाकर बेचते हैं अपने आप, तो स्ट्रीट वेंडर इस तरह आप थोड़ा याद रखिए, रिलेट करिएगा। पीएम स्वनिधि जो है, पीएम स्वनिधि के तहत 10,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा, ऋण पर सरकार द्वारा 7% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 जून 2020 को किसने जो है खेलो इंडिया ई कार्यक्रम का लॉन्च किया, तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किरेन रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ भारतीय अर्थव्यवस्था की लड़ाई में व्यवसायों विशेषकर MSME को राहत और ऋण सहायता देने के लिए अहम उपायों की घोषणा की। घोषणा के तहत MSME फंड्स के माध्यम से कितने 1,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सुलभ कराई जाएगी, तो वो आंसर होगा आपका 50,000 करोड़ रुपए MSME फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21-22 जनवरी 2020 के मध्य NIC टेक कॉन्क्लेव 2020 कहाँ आयोजित किया गया, तो वह दिल्ली। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा तेलुगु अध्ययन हेतु स्थापित किए गए विशेषता केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया, तो नेल्लोर आंध्र प्रदेश में। किस राज्य के विश्वविद्यालयों में गांधी चेयर और महाविद्यालयों में गांधी स्तंभ की जो है स्थापना की जाएगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो यह है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया, इस महोत्सव का मुख्य विषय क्या था, मुख्य थीम क्या थी, तो वह थी फिट यूथ फिट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह ने संयुक्त रूप से IT आधारित इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस IRAD प्रोजेक्ट लॉन्च किया, ये किसके द्वारा विकसित किया गया, तो IIT मद्रास के द्वारा। IRAD एक IT आधारित प्रविधि है जिसके द्वारा मोबाइल ऐप और टैबलेट्स डाटा के उपयोग से एक्सीडेंटल स्थल के संबंध में जानकारी एकत्र की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 जारी किया गया, इस सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य जो है कौन से हैं, तो ये पहले पे हरियाणा है, दूसरे पे केरल है और तीसरे पे जो है वो कर्नाटका है। ध्यान रखना, पहले पे हरियाणा है, दूसरे पे केरल, तीसरे पे कर्नाटका। कौन सी रिपोर्ट है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रायसीना डायलॉग 2020 जो है ये कहाँ आयोजित हुआ,
तो ये नई दिल्ली में है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रायसीना डायलॉग 2020, तो ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है कि कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की जो है 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम बदल के किसका जो किसके नाम पर रखा गया, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर, ठीक है, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड की स्थापना के लिए इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड की बायबिलिटी गैप फंडिंग की पूंजीगत अनुदान देने की मंजूरी दी। IGGL का गठन कब हुआ, तो IGGL का गठन कब हुआ था आपको बताना है। IGGL दैट इज इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, तो ये 10 अगस्त 2018 को। नेक्स्ट है कि किसने जो है वो नई दिल्ली के तुगलकाबाद में द दिल्ली साइकिल वॉक की जो है आधारशिला रखी। द दिल्ली साइकिल वॉक की आधारशिला जो है वो अमित शाह ने, गृहमंत्री अमित शाह ने इस तुगलकाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम 2019 किस अधिनियम को जो है वो संशोधित करता है। तो नागरिकता जो संशोधन जो कि इसमें बड़ा बवाल चल रहा है, CAA, तो इसका जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 जो है ये अमेंडमेंट किया गया है इसमें। दैट्स इट, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।